गेम के अंदर आ चुका है एक और नया इवेंट BTS फैटी ड्वील और हम करने वाले हैं इसके अंदर स्पिन। एंड गाइस यहां पे इस इवेंट के अंदर से आपको मिलने वाला है एक बहुत ही कमाल का BTS इमोट और गाइस यहां पे आपको BTS क्रिस्टल टोकन भी मिलने वाला है। तो सिंपल सा मैं यहां पे दो आइटम्स को रिमूव करके 9 डायमंड का स्पिन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर क्या निकलने वाला है। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हमें पैराशूट मिल चुका है जो कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। सेकंड स्पिन मैं कर लेता हूँ 19 डायमंड्स का एंड यहाँ पे क्या मिलेगा। तो भाई यहाँ पे ये कच्चा मिल चुका है और यहाँ पे हम थर्ड स्पिन कर लेते हैं 39 डायमंड का एंड यहाँ पे हमें ये मिल चुका है BTS क्रिस्टल टोकन। तो इस टोकन से मैं उस इवेंट के अंदर यहाँ पे स्पिन कर सकता हूँ एंड गाइस देखेंगे कौन सा बंडल हमें मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे अपना इमोट जो है वो निकाल लेते हैं एंड मैं फटाफट से स्पिन कर रहा हूँ और यहाँ पे भाई ये मुझे लगता है ये लास्ट में देने वाला है। तो मैं 149 डायमंड का भी स्पिन कर लेता हूँ एंड गाइस यहाँ पे क्रेट्स मिला। 199 डायमंड में क्या मिलेगा मुझे, लूट बॉक्स जो कि ऑलरेडी अवेलेबल था एंड 499 में गाइस यहाँ पे मुझे मिल रहा है इमोट। गाइज यहाँ पे आप देखो किस तरीके का इमोट होने वाला है और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को ये इमोट कैसा लगा। और गाइज यहाँ पे हम करेंगे ओके एंड यहाँ पे देखो कैसा इमोट होने वाला है। और अभी मैं सीधा सीधा जाऊँगा इवेंट के अंदर जहाँ पे हमने तीन कॉस्ट्यूम को पहले से ही निकाल लिया है एंड वहाँ पे देखते हैं इस बार कौन सा बंडल हमें मिलने वाला है। तो सिंपल सा चलो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं इवेंट के अंदर एंड इवेंट के अंदर जाने के बाद हम स्पिन करने वाले हैं। और गाइज एक चीज़ बता दूँ, मुझे बस एक ही चीज़ का डर है कि यहाँ पे ये जो सबसे लास्ट वाला कॉस्ट्यूम है ना पिंक वाला वो मुझे ना मिले। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कर देता हूँ स्पिन एंड स्पिन करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कौन सा बंडल मिलने वाला है। भाई सबसे लास्ट वाला मत मिल जाए यार, नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यार जो लास्ट वाला कॉस्ट्यूम है वो पता है किसका कॉस्ट्यूम है। तो चलो यार ये वाइट वाला मिल गया और ये कॉस्ट्यूम यहाँ पे देखो कौन सा कॉस्ट्यूम है भाई, चार्म बंडल है। तो चलो मैं इसको आपको पहन के दिखा देता हूँ एंड उसके बाद आपको इमोट भी दिखा देता हूँ किस तरीके का इमोट होने वाला है। वॉल्ट सेक्शन में चलेंगे एंड यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो होगा कहीं पे इमोट, तो इमोट को कर लेंगे इक्विप एंड आपको दिखाऊंगा लॉबी के अंदर। तो ये रहा इमोट, हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं एंड नीचे की साइड में हमारा बंडल है तो मैं उसको ओपन करके इक्विप कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको करूँगा ओपन। भाई साहब यहाँ पे देखो इक्विप कर लिया एंड यहाँ पे देखो यार आपको कैसा कॉस्ट्यूम लग रहा है, ठीक ठाक ही लग रहा है। इसके हेयर देखो एंड काफ़ी फिट और सिंपल सा कॉस्ट्यूम है एंड यहाँ पे ये इमोट है। तो गाइज़ यार आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड गाइज़ यार कितने कॉस्ट्यूम आपके पास हैं BTS के और आपने इमोट निकाला या फिर नहीं निकाला मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और यार आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, ठीक है।